देवभूमि उत्तराखंड में अपराधियों का आतंक देखने को मिला है। पहली घटना देहरादून में हुई, जहां नामी क्रिकेटर अभिमन्यु के घर बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। वहीं दूसरी घटना उधम सिंह नगर से आई है सामने, जहां एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और शव के 3 टुकड़े करके उसे ठिकाने लगाने की कोशिश में था, लेकिन तभी पुलिस को उसकी सूचना मिली और तुरंत मौके पर पुलिस ने पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया पति को। दो अलग अलग मामले आए हैं सामने जो सवाल उठा रहे हैं सूबे की कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर बेखौफ गुंडे बदमाश हो गए हैं। पश्चिमी बंगाल के रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन के घर बेखौफ बदमाशों ने बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये उनका घर है राजधानी देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र में, यहीं पर बेखौफ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह से फिल्मी अंदाज में पूरी डकैती की वारदात हुई है, ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल लगना लाजमी है, क्योंकि लगातार राजधानी में एक के बाद एक बड़ी वारदातें घट रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस इस डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बेखौफ बदमाशों का खुलासा कब तक करती है। कैमरा पर्सन विभू कारपाल के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया देहरादून। राजधानी देहरादून में बेखौफ बदमाशों ने एक फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, और ये किस तरह से हुई है, हमारे साथ में सर हैं। सर आप बताइए, ये कैसे पूरी वारदात हुई और कब बदमाश आपके यहाँ पहुंचे? 8:15 बजे करीब आए, इन्होंने नॉक किया घर, कह रहे सर कहाँ हैं? मैं नौकर ने बोला बैठिए, मैं ऊपर जाता हूँ, मैं बुला के लाता हूँ। कह रहे उसके गर्दन पे पिस्तौल लगाई और कह चलो। इतने में दूसरा नौकर पानी लेने चला गया, जैसे घर में कोई आता है ना तो पानी लेने चला जाता है, तो वो पानी लेने जाएगा, कहाँ जा रहा भाई तू? तो उसको बुलाया, उसके चक्कू लगाया, दो जने ऊपर साथ चल के, तीसरा आदमी पीछे फॉलो कर गया। आए, उन्होंने मेरे को पिस्तौल दिखाई। मैं कहा भाई पिस्तौल क्यों दिखा रहे हो? तुम जिस काम के लिए आए हो हम खोल देते हैं, ले जाओ भैया सामान, क्या दिक्कत है? ये किस तरह से वो बातचीत कर रहे थे, किसी तरह से आपको कोई शक? नॉर्मल हिंदी बात कर रहे थे। उसमें से एक मेरे से ना, जब मैंने बोला मैं तमिल हूँ, मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो मेरे से ना आंध्रा में बात करने लगा, आंध्रा हाइट में। ही वॉज टॉकिंग तेलुगु टू मी। मैं कहा दिस इज तेलुगु, आई एम तमिल, आई एम नॉट तेलुगु। वो तेलुगु भी ऐसे बोल रहा था जैसे ना भाई 2-4 साल कोई आदमी रहता है, 2-4 लाइनें सीख जाता है, या वड़ू या न, तो इस तरह ना वो शुरू कर दिया उसने। अच्छा, सामान में क्या क्या लेके गए, कुछ आपको बरामद हुआ जिससे कुछ ट्रैक हो सके? मोबाइल वगैरह? मोबाइल तो हमारा बरामद हो गया, मोबाइल तो वो फेंक गए थे सड़क पे, वो तो बरामद कर लिया हमने। बाकी ज्वेलरी ले गए, कैश ले गए, कुछ फॉरेन करेंसी थी ले गए, दैट्स इट। नहीं, मोबाइल ले जाते वक्त क्या कहा था उन्होंने? मोबाइल लेते कहा था हम नीचे छोड़ देंगे, लेकिन वो छोड़ा जाके स्कॉलर होम के पास। फिर हमने अपने आईफोन से सिंक्रोनाइज करा, मेरी बेटी ने दिल्ली से, फिर हम गए उसमें लोकेशन आ रही है, वो लोकेशन से हम ढूंढ के लेके आए। फिर रात को 3 बजे हमारे साथ पुलिस गई थी। अच्छा सर, अभी तक मतलब जो पुलिस का काम है, अभी तक जो जांच हुई है, कैसे लग रही है? दे आर एफिशिएंट, दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर ऑन द जॉब। आई एम फुल्ली होपफुल दे विल सक्सीड इन क्रैकिंग दिस केस। द मॉर्निंग एसपी साहब सुबह 5:15 बजे तक मेरे घर पे थे, 5:30-5:30 बजे गए हैं। श्वेता चौबे मैडम जो एसपी सिटी थी, वो 4:30 बजे गई हैं। रात को पूरा जाखन पुलिस चौकी राजपुर थाना पूरा, मेरे यहाँ 20-25 आदमी यहाँ पर थे। रात को वो जो हमारे लिए गार्ड छोड़ गए हैं कि अगले जो है जब तक आपको चाहिए हम आपको गार्ड देंगे। एंड इट इज रियली एग्जेम्पलरी ऑफ देम टू कम फॉरवर्ड एंड डू सच अ गुड जॉब। कहीं ऐसा कोई पॉइंट हो जिसमें उनकी सीसीटीवी कैमरे में वीडियो बनी हो कुछ? नहीं, वो सीसीटीवी कैमरा डीबीआर उठा के ले गए, वो उनको सीसीटीवी का जो डीबीआर है वो उठा के ले गए, वो तोड़ के ले गए हमारे घर का। उन्होंने तो जो वो था जो डिश टीवी का वो डब्बा था, बॉक्स, सेटअप बॉक्स भी उठा के ले गए। तो इस तरह से राजधानी पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो शराब कांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पिछले 4 दिनों से हवा में हाथ पांव मार रही है, और दूसरी तरफ ये जो डकैती की वारदात हुई है, अब देखना होगा कि इस पूरी घटना का पुलिस कैसे खुलासा करती है। कैमरा पर्सन विभू कारपाल के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया देहरादून।